हेलो फ्रेंड, मेरी चैनल इंडियन नया फूड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े, इस तरह क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले हम बेसन लेंगे, 100 ग्राम हम बेसन लेंगे। इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। एक चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैजिक मसाला पाउडर और 1 चम्मच शुगर। एक चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर, 2 से 3 बारीक हरी मिर्च कटी हुई, 2 से 2 मीडियम साइज में कटी हुई प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, जीरा पाउडर, बड़ी इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। बाउल कोथमीर और पालक को ऐड कर लेंगे। इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। पालक को हम अच्छे से इसे धो लेना है, इसका पानी निचोड़ के रख लेना है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल होगा तो बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत अच्छे से बैटर बन चुका है। अब हम इस कढ़ाई को लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम तलने लगे, इससे पहले हमें बेकिंग सोडा पाउडर थोड़ा ऐड करके उसके अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर इसे हम तलेंगे। मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इसके वो डालते वक्त हमें गैस का फ्लेम धीमा रखना है, फिर थोड़ी देर बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम लेवल पर कर लेंगे। ये देखिए हमारे पालक की भजी पकौड़े की रौनक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी इस तरह इस पकौड़े को बनाने की ट्राई करना, ये बहुत अच्छे टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। इस तरह हम सब पकौड़े को अच्छे से तल के इसको एक प्लेट में सर्व कर देंगे।
ये देखिए हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से बन चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी है और बहुत सॉफ्ट भी, और इसकी रौनक भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको चटनी के साथ खाएंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, अस्सलामुअलैकुम।